आगे गाड़ी बढ़ रहा है, ये गाड़ी बढ़ेगा फिर हम गाड़ी को बाहर निकालते हैं। देखिए ग्रीस हमारा लगभग कंप्लीट हो गया है। सापट में मार दिए हैं, कोई पील में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत ना, ठीक है। उल्टे चला है, हम लोग दोनों को आ गए हैं चाय पीने के लिए। मीठा ना खा ले फिर मीठा, मीठा कम बोले फिर मीठा कर दो। राधे राधे दोस्तों, सुबह का भी साथ हो जाए और हमारे एक नए ब्लॉग में आप लोगों का फिर स्वागत है। दोस्तों अभी गाड़ी पास आए थे स्टार्ट भी करने के लिए और देखने के लिए होटल में अगर हमारे आगे गाड़ी लगा हुआ अगर निकल जाएगा तो हम भी गाड़ी लेकर यहाँ से निकल सकें। तो पहले स्टार्ट करने के लिए हमको बैटरी में देना पड़ेगा करंट। ये देखिए करंट दे चुके हैं। आइए पहले गाड़ी स्टार्ट करते हैं और निकालने का यहाँ को व्यवस्था करते हैं। गाड़ी को क्या कि यहाँ पर फिर देख सकते हैं एक दो गाड़ी मात्र निकला है, अभी गाड़ी निकला नहीं। गाड़ी में अभी 25% बैटरी बता रहा है लेकिन फिर भी स्टार्ट करने में दिक्कत होगा। देख सकते हैं अभी 25% बैटरी बता रहा है। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हो गया, बहुत नॉर्मल तरह से स्टार्ट हो गया है। देखिए बैटरी मतलब बहुत चार्ज काम किया, रात को स्टार्ट करके आया, स्टार्ट करने आया था जो पिछला दिन देखे थे तो 12 बजे 1 बजे रात को आए थे, 12:30 बजे तो काम किया बैटरी काम। चलिए स्टार्ट करते हैं और गाड़ी निकालो, जितना गाड़ी आगे में है उन लोग को बाहर निकालने मारने का कोई उपाय करते हैं। बैटरी यहाँ पे हमारा चार्ज फिर से हो गया है, अभी कनेक्शन काट देते हैं और निकलते हैं खाना वाना खा के, उसके बाद यहाँ से निकलने का प्लानिंग बनाते हैं। सारा गाड़ी हटना स्टार्ट हो चुका है, देख सकते हैं सारा यहाँ निकलना स्टार्ट हो गया। ये गाड़ी ट्रेलर हटेगा तो हम भी गाड़ी लेकर निकल जाएंगे। कुछ गाड़ी जो है अभी बाहर निकल रहा है और कुछ गाड़ी यहीं पे रुकने वाला है, तो हमारा गाड़ी सबसे पीछे है। देख सकते हैं इधर थोड़ा बहुत खाली हुआ है, एक गाड़ी को इधर साइड करके हम गाड़ी बाहर निकाल लेते हैं, उसके बाद खाना वाना खा के उसके बाद निकलेंगे। ये बढ़िया हो गया कि एक दो गाड़ी निकल गया बाहर, कोई कोई गाड़ी है एक दो दिन और रुकने वाला है। आगे गाड़ी बढ़ रहा है, ये गाड़ी बढ़ेगा फिर हम गाड़ी को बाहर निकालते हैं। अपना गाड़ी जो है वो दिए हैं अंदर से, गाड़ी को बाहर कर दिए, अब सिर्फ खाना वाना खा के उसके बाद निकलेंगे। देख सकते हैं अंदर में अभी भी गाड़ी पूरा फुल भरा हुआ है, पूरा होटल में भरा हुआ है, दो चार गाड़ी सिर्फ निकला है, तो हम भी गाड़ी को बाहर कर दिए हैं, अभी जा रहे हैं खाना खाने के लिए, खाना खा के उसके बाद निकलेंगे। सुबह का भी 10:30 बज गया और अभी हम खाना पीना खा के होटल पर पहुँच गए हैं और गाड़ी लेकर अभी निकल गए हैं। पानी वानी सब कुछ खा लिए होटल में, बस निकलने वाले हैं। गाड़ी को स्टार्ट कर दिए हैं और प्रेशर बना के उसके बाद निकल रहे हैं। पानी में बोतल तो सब कुछ भर लिए हैं और अभी हम यहाँ से निकलने जा रहे हैं होटल से। समझ लिए एक हफ्ता, यही संडे को हम गाड़ी खा के थे और आज यही संडे को गाड़ी ले निकल रहे हैं, मतलब 8 दिन के बाद आए हम ट्रक लेके निकल रहे हैं होटल पर से। बहुत दिन गाड़ी खराब हो गया हमारा, हमारा इतना ज़्यादा खराब हो गया कि बेबिल हमको दूसरा बनाना पड़ेगा, एक बेबिल से हमारा काम नहीं चलेगा। एक कले का डेट है बेबिल का, एक संटू बाबू है उनको छोड़ने आया था। क्या हुआ संटू? असगर पाटिल चलने जा रहे हैं होटल पर। बारी इन कर चुके हैं और आज तो देखिए मौसम और माहौल, आज का सुबह का पहला सफर का पहला टॉल बारी टॉल, बारी टॉल पास पहुंचे हैं और पहला टॉल कटने वाला है। ये सफर का पहला डीजल लेना हम स्टार्ट कर चुके हैं। डीजल लेने का सिलसिला जो है हमारा स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे डीजल भी लिए हैं, बंद हो गया। डीजल हमारा हो चुका है, डीजल ले लिए हैं 9000 का, तो अभी एटीएम से कटा लेते हैं और थोड़ा कैश भी ले लेते हैं क्योंकि कैश हमारे पास थोड़ा सा भी नहीं है। कैश
पंप से ही ले ले रहे हैं। पेमेंट करके और कुछ कैश से ले लिए हैं, कैश थोड़ा सा भी नहीं था और ग्रीस भी मराना है गाड़ी में, ग्रीस नहीं मरा है तो वहाँ भी कैश लगता है वो सब छोटा मोटा काम में। चलिए डीजल भी हो गया, पेमेंट भी हो गया, अब निकलते हैं यहाँ से। दिन का एक बज गया है अभी और अभी हम पहुँचे हैं चौपारण। तो चौपारण में हल्का ग्रीस मरा लेते हैं क्योंकि उधर ग्रीस मराया नहीं था और बहुत दिन से हमारा ग्रीस मरा नहीं था, मतलब गाड़ी खराब हो गया था लेकिन ग्रीस सूख गया था पूरा, थोड़ा ग्रीस थोड़ा सूखा हुआ है, थोड़ा बढ़िया मार दिएगा। हाँ क्योंकि ग्रीस मारने से थोड़ा पीन घुस का थोड़ा रहता है जान, देख सकते हैं तो बरसात में पूरा गर्दा पड़ के चारों पटा पीन उन पूरा गंदा हो गया। देखिए ग्रीस हमारा लगभग कम्प्लीट हो गया है। सापट में मार दिए, कोई पीन में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत ना, ठीक है ग्रीस हमारा कम्प्लीट हो गया। एक तो पेमेंट करके अभी निकलते हैं फिलहाल हम यहाँ से, और हमारा साथ ही थोर आया है मतलब जाने वाला है सासाराम, तो उसका गाड़ी में सासाराम खा करके उसका माल उधर समस्तीपुर तरफ था तो सासाराम से कटेगा तो वो भी साथ में जाएगा सासाराम तक। चलिए उसको भी साथ में लेके और निकलते हैं। चौपारण के डाक बाबा के पास पहुंच गए हैं और यहाँ पे दर्शन करके हमारा ये ट्रिप का स्टार्ट करते हैं इसे। चलिए आइए बाबा से दर्शन कर लेते हैं। दर्शन हो गया है और तो चौपारण भी पार कर गए हैं। चलिए चौपारण घाटी ढूंढते हैं और छोटू के उठाते हैं शॉप से, ताकि उसका घर शॉप में है, और अभी मिलाते हैं हमारा जो सासाराम तक हमारे साथ में जाने वाले हैं उससे। दिन का भी 3 बज चुका है और अभी हम डोभी बॉर्डर पे हैं और डोभी बॉर्डर भी पार कर गए हैं और छोटू भी आया। छोटू हमको आधा घंटा वेट करवा दिया शॉप में, अभी वो और साथ में आने आने वाला अभी। देखिए छोटू बाबू पहुँच गया है, मेला में पूरा ऐश किया है छोटू, पूरा मेला में ऐश किया है। शाम का 7:15 बजे दोस्तों, और अभी हम सासाराम पार करके और गुजरा से पहले गाड़ी को दिए थोड़ा साइड में लगा, और जो हमारे साथ में आ रहे थे बड़ी बड़ी से आए हुए वो यहीं पे उसका गाड़ी खड़ा है। इसको जाना है दरभंगा और समस्तीपुर, तो पटना होते हुए जाएगा ये, तो यही इसका रोड के वो सर गाड़ी लगा दिया था दशहरा के कारण, वहाँ टेंट टूट लगा हुआ कारण उसका गाड़ी खाली नहीं हो रहा था, तो यहीं पर लगा के घर चले गए थे। अभी आए हैं दशहरा खत्म होने के बाद ये फ्री होटल में गाड़ी लगाए हैं, साठ दो साठ लगा दिए हैं, अभी थोड़ा शीशा साफ करके उसके बाद निकलेंगे दोनों। चला हम लोग दोनों को आ गए हैं चाय पीने के लिए, मीठा ना खा ले फिर भी मीठा, मीठा कम बोले फिर भी मीठा कर दो। साफ हो चुका है और वो गाड़ी वाला भी निकल रहा है वो भी, और अभी हम भी निकलते हैं चाय वो सब कुछ भी लेकर यहाँ से निकलते हैं आगे सफर के लिए। नौबतपुर यहाँ से ज़्यादा बचा नहीं है, लगभग 40-50 किलोमीटर बचा है, और फिर डीजल डालेंगे उसके बाद आगे गए जाके खाना में खाएँ। 4 बज चुका है और अभी हम पहुँच चुके हैं मोहनिया बॉर्डर, और मोहनिया बॉर्डर का रास्ता तो यार क्या बार बार हर वीडियो में कहने में भी ख़राब लगता है, जब आते हैं तब यहाँ तकलीफ होने लगता है। चलिए बॉर्डर तो पहुंच गए लेकिन रास्ता भी देख सकते हैं गड्ढा जितना भयानक हो गया कहना नहीं, तो इसमें किनारे किनारे जो किनारे रखा हुआ मिट्टी ये भी जाकर गड्ढा में डाल देता तो कुछ बेहतर हो जाता। बारिश में थोड़ा बहुत डाला था लेकिन फिर उखड़ गया है, ये होता है कि नया नया टायर होता है काट देता है, ये नुकसान होने लगता है गाड़ी को, बहुत ज़्यादा नुकसान सब झेलना पड़ता है बॉर्डर। खैर छोड़िए चलिए क्या बोलने से बोल के थक चुके हैं। चलिए यहाँ से हमारा बिहार का जो जर्नी है वो समाप्त होने वाला है और अभी हम यूपी में प्रवेश करेंगे, तो इधर नौबतपुर की तरफ जाके डीजल पानी लेकर और जहाँ तक चल पाएंगे चल पाएंगे, नहीं तो फिर आगे जाके कहीं खाना वाना खाएंगे और फिर आराम करेंगे। रात का 9:30 बजने वाला है और अभी हम नौबतपुर पहुँच चुके हैं, और अभी नौबतपुर में हम डीजल ले रहे हैं 10,000 का, ताकि ओ टी पी में उतना ही है बाकी जाके आगे मिलेंगे। ये रहा हमारा डीजल, अभी तक तो डीजल का ढक्कन ले नहीं पाए हैं,
आगे चल के कहीं ले लेंगे। रात का 12 लगभग बजने वाला है और अभी बनारस पार करके गोपीगंज से थोड़ा सा पहले एक ढाबा में रुक गए हैं। सरदार जी का ढाबा है, तो यहाँ पे पहले भी खाना खा चुके हैं ढाबे पे। यहाँ पे बहुत सारा गाड़ी भी लगता है रोड के साइड, उस चार तरफ जो गाड़ी लगे हुए हैं ढाबे में अच्छा खाना खिलाता है इसीलिए। और हमारा पंखा भी है वो खराब हो गया है, इसका कार्बन खराब हो गया, उसको कल बनवाना है। चलिए पहले खाना वाना खा लेते हैं, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे और फिर कल पंखा का भी बनवाना है। हमारा खाना आ चुका है कढ़ी, कढ़ी पकौड़ा, ये अपना रेसिपी से आज नया ट्राई कर रहे हैं। और कढ़ी यहाँ पे बढ़िया खिलाता है राजस्थान में, एक बार और खाया था बहुत मज़ा आया था। ट्राई करते खाते हैं कैसा बना है देखते हैं। हाँ भाई यही तो लताबाब है, मजा आ गया। खाना तो अपना हो चुका है और अभी यहाँ से सोने का ऐसा जगह नहीं है यहाँ पे, क्योंकि रोड के किनारे देखिए गाड़ी लग गया है, लगा हुआ है, तो यहाँ पे सोने से सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हम खुद पे। तो यहाँ से टॉल है गोपीगंज वाला जो टॉल है, टॉल पे जाके वहीं पे सोएंगे तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि हम आ रहे थे थोड़ा भूख भी लगा था तो आलस भी लग रहा था। तो टॉल पर जाके वहाँ 2 घंटा आराम भी कर रहे हैं, 12:30 भी बज गया है, वहाँ भी 2 घंटा आराम करके जब नींद उठेगा तो वहाँ से निकलेंगे, आराम भी हमारा हो जाएगा। टक टप्पा तो अभी टकाटक है, वो तो जाते हैं गोपीगंज टॉल पे, वहीं पे सोएंगे। रात का 1 बजने वाला है, अभी 12:56 हो चुका है, तो अभी बहुत भयानक नींद नहीं आ रहा था, थोड़ा आलस लग रहा था, थोड़ा सा लग रहा था कि हम सो रहे थे। देखते थे गोपीगंज के टॉल पास पहुंच गए हैं और बस यहीं पे गाड़ी भी किनारे थोड़ा साइड लगा के खड़ा कर दी और अभी जा रहे हैं हम सोने के लिए। तो इस ब्लॉग को हम यहीं एंड करना पड़ेगा हमको, तो आप लोग को नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा आगे का सफर। ठीक है दोस्तों, इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं, और हमारे नए होंगे अगर हमारे चैनल पर नए होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। तो इस ब्लॉग पे यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत दोस्तों।